अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बल्कि सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं शिफ्ट हो गया हूँ इटली में, तो आज 4-5 दिन ही हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए हुए, तो सोचा कि चलें थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके सराउंडिंग को। बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है। ये एक टाउन है, छोटा सा तो नहीं कह सकते आप, एक अच्छा खासा बड़ा टाउन है सान तारपिनो के नाम से। और आइए ज़रा आप देखिए कि यहाँ के कि स्ट्रीट्स कैसी हैं मेरे साथ साथ, और फिर मैं आपको एक जगह पर लेके जाता हूँ और फिर वहाँ पर जाके बात होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये वही पुरानी तर्ज की गलियां हैं, ओल्ड इटालियन आपको एक वाइब जो है यहाँ से फील होगी। ये आप देख सकते हैं वही पुराने ब्लॉक्स स्ट्रीट्स, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ आप कह सकते हैं कि इस टाउन का सान तारपिनो जो टाउन है इसका वो एक सिटी सेंटर है जिसे इटालियन में प्यासा कहते हैं। और सोचा आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर अपने साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ के घर, यहाँ की स्ट्रीट्स आप नीचे देख सकते हैं पुराने जो पत्थरों की स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, और बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी स्ट्रीट्स हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी तंग सी गलियां, लेकिन बहुत ही साफ सुथरी और खूबसूरत। ये आप देखें दोस्तों यहाँ की स्ट्रीट्स, सांट अंतिमो, सांट अर्पिनो टाउन का नाम है। ये आप देखें बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ पर, और स्ट्रीट्स यहाँ की बहुत ही प्यारी। जी तो दोस्तों, मैंने आज जैसा कि आपको बताया था मैं पहुँच गया हूँ सिटी सेंटर कह लीजिए आप, इसे इटालियन लैंग्वेज में प्यासा कहते हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, और ये एक हिस्टोरिकल और एंशिएंट टाइप का जो स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, जिस तरह के का काम हुआ हुआ है स्ट्रीट पे, इन स्ट्रीट्स में एक पुराना जो है लुक और खूबसूरत अट्रैक्टिव लुक जो है वो देखने को मिलता है। ये प्यासा एक तरह का इसे सिटी सेंटर कहते हैं, यानी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक चर्च भी मौजूद है, ठीक है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये कम्यूने हैं, कम्यूने वो लोग स्पेशली जो ये वीडियो कराची से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं,
कम्यूने एक तरह का आप कह लीजिए कि वन विंडो ऑपरेशन होता है, जिस तरह हमारे कराची में जैसे KMC होता है, लेकिन वहाँ पर सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बिखरे हुए हैं, जैसे KDA, MDA, वाटर बोर्ड, क्या नाम है, KMC, यानी सारे लैंड डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पर आपको वन विंडो ऑपरेशन मिलता है। यानी आपको इस तरह के जो भी मामलात हों तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। ये हर टाउन में एक कम्यूने होता है, और जैसे म्यूनसिपल ऑफिस होता है, और यहाँ पर आके आपको तमाम जो आपके इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर हल हो सकते हैं, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, यानी XYZ जो भी आपके इस तरह से रिलेटेड सिविल सर्विसेज के हवाले से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो सारे आप यहाँ पर आके हल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेशली अगर आप इटली में आना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ कि आपको इटालियन लैंग्वेज की नो हाउ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इटली में लोग जो हैं मोस्टली क्या बल्कि 99% लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, और इवन के वो जगहें जहाँ पर आपको लगता है या आप समझ सकते हैं या आप सोचें कि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाएगी, जैसा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, उन जगहों पर भी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल भी यानी नहीं बोली जाती, ना समझी जाती है। जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अगर आपको इटालियन की बेसिक नो हाउ नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है इस हवाले से। बाकी यहाँ के लोग अच्छे हैं और वेलकमिंग हैं, और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको एक अच्छी यानी अच्छे अंदाज में आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपसे डील करेंगे। तो मज़ीद आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं इटली के बारे में मज़ीद जानना, मज़ीद कुछ पूछना, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। काइंडली जिन दोस्तों ने ये मेरा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे और मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।